आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं निर्भीक निडर होकर चला रही हैं रिक्शा। रिक्शा में लगा जीपीएस सीसीटीवी कैमरा। केसरगंज बहराइच एलडीटी एसएमबी ग्रेन सॉल्यूशन पीवीटी एलडीडी टीसीएल के संयुक्त पहल के द्वारा वाहिनी प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश बहराइच जनपद के केसरगंज सर्कल में स्वरोजगार के तहत महिला सशक्तिकरण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए भारी सब्सिडी के तहत ई रिक्शा महिलाओं के लिए ई रिक्शा प्राप्त हुआ है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग की ट्रेनिंग और महिला सुरक्षा के लिए सभी ई रिक्शा में सीसीटीवी कैमरा तथा महिलाओं को एक मल्टीमीडिया मोबाइल के साथ ई रिक्शा दिया जा रहा है, जिसमें जीपीएस ट्रैकर भी लगा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र की तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो कुछ अलग करना चाहती हैं, उनके लिए यह बेहतरीन सुविधा है, जिससे वो अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। ब्रांच मैनेजर पुष्पेन रमिश्रा ने बताया कि वैसे तो ये रिक्शा बहुत महंगे मिलते हैं, जिनमें ना तो जीपीएस होता है और ना ही कोई कैमरा लगा होता है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए एक सुरक्षा कवच के तौर पर ई रिक्शा उन्हें प्रदान किया जाता है। ज्यादातर तो ये देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कस्बा और बाजारों तक पहुंचने के लिए काफी देर इंतजार भी करती थी। वही सोचना पड़ता था कि टैक्सी का चालक कैसा है और उस टैक्सी में कैसे कैसे लोग बैठे होंगे, जो उन्हें काफी हिचकिचाहट महसूस होती थी। लेकिन इस योजना के अंतर्गत जब महिलाएं खुद होंगी चालक, तो आप निर्भर बन के महिलाएं निर्भीक निडर होकर कस्बे मार्केट मुख्यालय तक पहुंच सकेंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत सपने को साकार करने में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हिस्सा में निर्मला देवी, अंजलि, लक्ष्मी नारायण, निशा, रीता, कुंता देवी सहित तमाम महिलाएं मौजूद हैं, जिसमें महिलाओं को ट्रेन करने की काम लक्ष्मी देवी करती नजर आई। कहां से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं? 333 से। आज हमने देखा कि एक महिला जो है ऑटो रिक्शा चला रही है, आप लोग बैठे, कैसा लग रहा है आपको? हमको तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? कल के डेट में नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन जब एक दूसरे को देखे कि ये दीदी गाड़ी चला रही है, हम भी अपने प्रयास करें, आज हम भी चलाएंगे तो कुछ लायक हो। खुद सीख रही हैं? खुद सीख रहे, सीख भी रहे और हिम्मत भी है कि हम चलाएंगे। यानी नारी सशक्तिकरण का आप रूप देना चाहते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये जो किस योजना के तहत कैसे हो रहा है, कुछ जानकारी है? ये टाटा से हो रहा है। ये अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? अच्छा लग रहा है, यानी कुछ करने का जो हौसला था वो कर दिखाने का मौका मिला है। पहले हम डरते थे बाहर निकलने के लिए, अब नहीं डरते। तो खुद सीख भी रही हैं? हाँ, खुद सीख भी रही हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपका ये जो ऑटो चलाना सिखा रही हैं, चला रही हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम निर्मला देवी है, 333 गांव लगता है। ऑटो चलाने में सर जी बहुत अच्छा लग रहा है, पहले हमने कभी साइकिल नहीं चलाया था, लेकिन आज के डेट में हम खुद सीखे और चला रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं। आज के डेट में हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम बिल्कुल पढ़े लिखे कुछ नहीं हैं, लेकिन गाड़ी भी चला के हम कुछ नहीं तो 500 रुपया कमा लें। यानी परिवार के निर्वाहन के लिए मजदूरी की जरूरत नहीं, आत्मनिर्भर बनना सबसे अहम बात है। नहीं, परिवार के चलाने के लिए हमको ये गाड़ी मिल गई है, इससे हमको बहुत खुशी है। किसी दिन हम आते हैं, अगर नहीं मेरा लड़का रहता है, मैं खुद ही लेके गाड़ी चली आती हूँ, कुछ नहीं तो 150-200 रुपया का सवारी भी लेके आती हूँ। ये कैसरगंज से आप कहाँ तक जाते हैं? हमारा 333 से कैसरगंज ही बाजार लगती है। धन्यवाद।